नागपुर शहर में 3 साल बाद कोई मैच होने जा रहा है। शुक्रवार को शहर के जामठा स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच खेला गया। इस मैच के लिए शहर के क्रिकेट प्रेमियों ने पिछले 4 दिनों से रात दिन एक कर मैच की टिकट खरीदी, मगर जिन्हें टिकट नहीं मिली वे लोग नाराज हो गए। मगर शहर में ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें मैच की टिकट और मैच देखना एक सरप्राइज गिफ्ट मिला। जी हाँ, हमेशा गुनहगारों के साथ जंग लड़ने वाले नागपुर शहर के पुलिस ने एक आदर्श रखा है। पुलिस विभाग ने उन्हें मिलने वाली वीआईपी टिकट को अनाथ बच्चों को देकर उनका मैच देखने का सपना पूरा किया है। पुलिस हमेशा ही अपने कर्तव्य पर रहते हैं। शुक्रवार को भी उनकी ड्यूटी जामठा स्टेडियम में लगी हुई थी। नागपुर शहर के आयुक्त अमितेश कुमार को लगा कि सभी अधिकारी अपने अपने काम में होंगे, फिर टिकट का क्या होगा। फिर उन्हें ये संकल्पना आई और सभी अधिकारियों ने अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए आयुक्त को साथ दिया और इन बच्चों का सपना पूरा किया। इन्हें भारत की टी शर्ट भी विभाग की ओर से दी गई। इमेजिन नहीं खेलते कभी टाइम येल के आम्हाला पुलिस तर्फे तिकीट भेटेल मैच आम्ही स्टेडियम मध्ये लाइव जाऊन मैच बघून पण आज आम्हाला ही संधी मिळाली पुलिसामुळे तर सरांना थँक यू। आणि असं काही कधीच असं आयडिया नव्हता, आम्ही आमच्यामधून कोणीच असं जाऊच नाही शकत, कारण जेही मुलं आमच्यामधून घडतो तो काही ना काही म्हणजे असं इतकं मोठं व्यक्ती नाही बनत की स्वतःची तिकीट घेऊन तो स्टेडियम जाईल। तर ही संधी आम्हाला सरांमुळे मिळाली म्हणून सरांना धन्यवाद। असं काही माहीत नाही होतं, फक्त टी शर्ट आम्हाला अगोदर मिळाली होती, फक्त आयडिया होतं की मॅचचं काही रिलेटेड असेल, तर आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत आम्हाला तिकीट मिळाली म्हणून। आणि मनात असं खूप विचार आहेत पण असं बाहेर नाही येतात, एक्सप्रेशन समजू शकता तुम्ही, काही जास्त काही म्हणजे असं बोलायला खूप काही पण तोंडातून निघत नाही आहे। भीती म्हणजे मला, मी शिकते पण मला असं काही भीती नाही, कारण मलाही शिकून सा नाही म्हणजे असं रिलेटिव्ह पदावर जायचं आहे, पण मला एक गर्व आहे की आपणही समोर जाऊन असे काही कार्य करू शकतो आणि मी करणार असं मला वाटते। आज नागपुर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच होने जा रहा है, जो बहुत दिनों के बाद नागपुर में ये आयोजन देखने को मिल रहा है। बहुत उत्साह इस मैच के बारे में है, पुलिस के द्वारा काफ़ी सारी बंदोबस्त लगाई गई है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हमें 4 कॉम्प्लीमेंट्री पासेज VIP बॉक्स के मिले थे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जब हमारे कॉन्स्टेबल्स बंदोबस्त कर रहे हैं तो CP या उनके फैमिली मेंबर्स VIP बॉक्स में बैठ के मैच देखें, ये एथिकली करेक्ट नहीं है, ये बराबर नहीं है जब कांस्टेबल्स या उनके फैमिली मेंबर्स को ये संधि उपलब्ध नहीं है। ये मैच की पास जो डाउन ट्रॉडन है सोसाइटी के, जो ऑर्फिन होम्स के बच्चे हैं जिनको कभी भी इस प्रकार का मौका शायद नहीं मिला होगा, इनको ये पासेस दी जाए तो इनको जो आनंद, इनको जो खुशी होगी वो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा होगी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये इच्छा दिखाया था और हमारे इतर जो सहकारी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें एक सकारात्मक भूमिका व्यू लिया और ऐसे मिला के टोटल 14 बच्चों को आज हम विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में मैच के लिए ले जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये एक उनके लिए प्रेरणादायक होगा, एक मोटिवेशनल एक इवेंट होगा, इंटरटेनमेंट के अलावा इनको ज़रूर ऐसी शक्ति अंदर से आएगी जिससे वो आगे के दौर में अपने एजुकेशन और इसमें इतनी मेहनत करें कि आगे के दौर में वो खुद से टिकट खरीद के मैच और इस प्रकार की इवेंट देखने की शक्ति इनमें आएगी, ऐसी मुझे विश्वास है, ऐसी मुझे भगवान से प्रार्थना है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।